हेलो एवरीवन, हाय, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर मैं अमूल पेज पे अपना लाइव लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी सी रेसिपी है और मैं सबसे पहले बता देती हूँ, मैं सुनीता अग्रवाल लखनऊ से हूँ और लखनऊ वालों को तो चाय बहुत पसंद होती है, तो आज उसी से रिलेटेड मेरी रेसिपी है आलू की टिक्की चाट। तो चाट ये आलू की टिक्की वाली कैसे बनती है, चलिए देखते हैं। तो मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए, ये देखिए हमने ये पोटैटो लिया था, इसको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद हमने गरम गरम ही ग्रेट कर रखा हुआ था। ग्रेट करने के बाद इसको हमने मैश कर लिया और ये देखिए इस तरह से मैश करके रखा है। आप लोग देख सकते हैं पोटैटो को हमने मैश करके रखा हुआ है। और ये हमारे टिक्की के डेकोरेशन के लिए ये सारी चीज़ें हैं, मैं इनको हटा देती हूँ पहले। और ये देखिए हरे धनिए की चटनी मैंने बना रखी है और ये इमली की चटनी, खट्टी मीठी बहुत टेस्टी। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है सुनीताज किचन विदाउट अनियन गार्लिक के नाम से, तो आप उस पर जाके ये दोनों चटनियाँ देख सकते हैं कि कैसे बनता है। और तो मैं यहाँ पे हमने ये पोटैटो लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच आरारोट पाउडर। आरारोट पाउडर जो है ये हमारी टिक्कियों को क्रिस्पी करेगा और ये बाइंडिंग का भी काम करेगा। तो और अब हम इसमें हल्का सा नमक भी ऐड कर देंगे क्योंकि हम टिक्कियों में ऊपर से नमक भी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने नमक और आरारोट पाउडर डाला है और सब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए चाट तो सभी को पसंद होता है और जब हम घर पे ये चाट बनाकर खाएं तो बहुत ही मजा आता है और फैमिली वालों को की तो बल्ले बल्ले हो जाती है कि बाबा आज तो चाट खाने को मिलेगा। आई थिंक आप लोग भी घर में बनाते होंगे। तो ये देखिए आरारोट और नमक इन आलू में हमने डालकर मैश कर लिया अच्छी तरह से, ये डो हमने तैयार कर लिया। और अब हम इन्हें टिक्कियों का शेप देंगे। थोड़ा सा हम हाथ को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर लेंगे और जितनी बड़ी टिक्कियां आपको बनानी है उनका शेप ले लेंगे। आप चाहे तो इन टिक्कियों को फिल करके भी बना सकते हैं, इसमें पनीर भी भर सकते हैं और चने की दाल है, मटर है, कुछ भी आप जो चाहें वो फिल करके बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सादी पसंद की जाती है तो इसलिए हम इसी तरह से सादी बना रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से चिकना कर लें, ये देखिए टिक्कियों का शेप कितना सुंदर आया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस तरह से किनारे किनारे से ऐसे चिकना कर लेंगे, ये देखिए। हेलो एवरीवन, आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। ये देखिए और मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ।
हेलो मीना जी, कैसे हो आप? और फिर इधर मैं गैस ऑन कर दे रही हूँ। मीना जी, मैं आलू की टिक्की बना रही हूँ, जो चाट होती है ना, आलू की टिक्की चाट, तो वो बना रही हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है अमूल के प्रोडक्ट कितने अच्छे होते हैं, तो अमूल के प्रोडक्ट से और चाट, वो भी देसी घी का और वो भी अमूल का, तो सोने पे सुहागा है। तो मैं अमूल के देसी घी से यहाँ पे ये टिक्की को सेकूंगी। अमूल के देसी घी से आप ये टिक्की बनाएंगे तो टिक्कियों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और घी को मेल्ट हो जाने दें, अच्छा गरम कर लें और इसको चारों तरफ से तवे को ऐसे ग्रीस कर लें। हेलो दीपा माला जी, सॉरी दीप माला जी, तो देखिए आप लोग देखिए कितना सुंदर ये टिक्की। अच्छा, एक टिप हम आपको देना चाहेंगे कि आप आलू उबालने के बाद, ठंडा हो जाए उसके बाद आप फ्रिज में रख दें। फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो आलू और भी आपका अच्छा हो जाता है। उसकी आप फिर उसके बाद ग्रेट कर लें, मैश कर लें, उसके बाद आप बनाएं तो बहुत अच्छा बनेगा। और देखिए घी हमारा गर्म हो गया है और फ्लेम को हम लो कर देंगे और सारी टिक्कियां हम लगा देंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे, लो फ्लेम पे हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे बिल्कुल अलट पलट के। और फिर ये देखिए गार्निशिंग के लिए हमने तैयार कर रखा है, ये हरा धनिया, हरी मिर्च, जिंजर है, इनको स्लाइस में काट रखा है, गाजर है और ये आलू भुजिया है, मटरी इसको क्रश करके डालेंगे, बीट रूट है और अनार के दाने हैं, ये सब गार्निशिंग के काम आएगा, हरी मिर्च है। और ये हमने बताया आपको, ये हमने हरी चटनी बना रखी है। हरी चटनी कैसे बनता है ये आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि हरी चटनी कैसे बनाई जाती है। और ये इमली की चटनी भी, ये मीठी वाली, गुड़ वाली, सौंठ वाली जो होती है इमली की मीठी चटनी, ये बहुत ही चाट में तो इसके बिना तो अधूरा ही होता है, तो ये भी हमने बना रखी है। तो आप दो अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है सुनीताज किचन विदाउट अनियन एंड गार्लिक के नाम से, आप उस पे दोनों रेसिपी चटनियां देख सकते हैं। और जब तक यूट्यूब पे जाके, तो इधर ये हमारी टिक्कियां सीख रही हैं, जब तक हम दही तैयार कर लेते हैं। अब दही ये देखिए अमूल का दही है, इसको खोलते हैं। और दही को हम पहले चाट के लिए तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने बताया कि आप अगर अमूल के प्रोडक्ट यूज करके बनाते हैं तो आपको पता ही है अमूल के प्रोडक्ट कितने अच्छे होते हैं। और इसमें हम इसको हम मख लेंगे, दिख रहा है? और इसमें हम थोड़ा सा पिसी हुई शुगर ऐड करेंगे। देखिए पिसी हुई डालनी है, खड़ी नहीं डालनी है, बस दो चम्मच ही हम इसमें डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मथ लेंगे।
ये देखिए ये मीठी दही हमारी बनकर तैयार हो गई। अब इसमें बिल्कुल नमक जो है बिल्कुल एक चुटकी ही डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना, बस ऐसे इस तरह से एक चुटकी। ये इसको नमकीन नहीं करना है, ये स्वाद को बैलेंस रखने के लिए बस एक पिंच ही इसमें नमक डालना है। और ये देखिए ये मीठी दही हमारी बिल्कुल बढ़िया थिक ये चाट के लिए तैयार हो गई, कितनी अच्छी लग रही है ये दही। तो हमारी सारी चीजें रेडी है और मैं इधर टिक्कियों को भी देख लेती हूँ, अभी ये नहीं हुआ है। और लो फ्लेम पे आप सेकेंगे तो टिक्कियों का स्वाद अंदर तक सिक जाना चाहिए, तो स्वाद और भी अच्छा आएगा। देखिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें आप लो फ्लेम पे, देखिए कोई भी चीज होती है अगर आप लो फ्लेम पे धीमे आंच पे सेकते हैं अच्छे से तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। हाँ जी दीप माला जी, मैं बिल्कुल सिखाऊंगी एक रेसिपी, मैं चॉकलेट की भी लेके आऊंगी बिल्कुल। प्लीज आप लोग कमेंट करिए, मुझे शो नहीं हो रहा है बिल्कुल, बहुत कम से आ रहे हैं। अच्छा सा इसको अलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे सेकेंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें हमारी तैयार हैं, दही भी तैयार है, चटनी भी तैयार है, हरी चटनी मीठी चटनी गार्निशिंग का सारा सामान तैयार है। बस हमारी टिक्कियां तैयार हो जाए फिर मैं आपको असेंबल करके दिखाती हूँ। देखिए देसी घी की महक हमारे किचन में बहुत अच्छी आने लगी है। अमूल के प्रोडक्ट तो आप लोगों को पता ही है कितने अच्छे होते हैं। और मैं पलट के देख लेती हूँ कि ये सिक गए कि नहीं। वाओ ये देखिए इधर से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इनको पलट देते हैं।
बहुत प्यारा कलर आया है। और इनको भी दूसरी तरफ से हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और यहाँ टिक्की बनाते समय एक टिप मैं आपको और देना चाहूंगी। कि जब टिक्कियां सिक जाएं आपकी, थोड़ी सी मजबूत सी हो जाएं, तो आप, मैं अभी आगे बताती हूँ कि कैसे करना है। आप जैसे मैशर होता है ना, मैशर आप लोग जानते होंगे, पोटैटो मैशर, और इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ही दबा देंगे, ये देखिए, ताकि ये अंदर तक सिक्के अच्छे से सिक जाएंगी और अंदर तक क्रिस्पी हो जाएंगी। ये देखिए, इस तरह से कर देंगे, ये देखिए सारी टिक्कियों को इस तरह से कर देना है। ये देखिए, तो ये पूरा अंदर तक हमारा घी चला जाएगा और अंदर तक ये सिक्के तैयार होंगे। और फिर इसको हम इसी तरह से सेकेंगे। देखिए, सेकने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला ये प्रोसेस है। आप लो फ्लेम पे सेकेंगे तो बहुत अच्छा ये आपको स्वाद भी मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने टिप्स बताया कि आप इस तरह से मैशर से इस तरह से आप दबा दें। दबाने का सेंस ये है कि आप आलू को, टिक्कियों को दबाएंगे तो घी आपका अंदर तक जाएगा, और लो फ्लेम पे सेकेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से अंदर तक ये क्रिस्पी होगा और स्वाद भी। देखिए, चीज को आप अच्छा बनाना चाहेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको बनाकर तैयार करें। अगर कोई चीज आप बना रहे हैं बिल्कुल मन से बनाएं, अच्छे से बनाएं, तो उसका स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है। और बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान देने वाली हैं, आप इनको ध्यान दीजिए और आपका चीज देखिए कितना मस्त बनकर तैयार होगा और सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे। और अगर आपके पास आयरन का तवा है, फ्लैट वाला, जो टिक्की वाला होता है फ्लैट वाला तवा, आप उस पे बनाएंगे तो और भी टिक्की उस पे अच्छी बनती है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। नॉन स्टिक का है तो उस पे भी आप बनाएं। देखिए, हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि मैं टिक्की बना रही हूँ, चाट, जो टिक्की की चाट होती है वो बना रही हूँ। और ये देखिए, मैंने ये मीठी दही तैयार करके रखी है, और ये इमली वाली चटनी, इमली वाली गुड़ और सौंठ वाली मीठी चटनी जो होती है वो है, और ये हरे धनिए की चटनी, और ये सारी चीजें हमारी प्रिपेयर है। और बस ये टिक्कियां सीख जाए फिर मैं आपको असेंबल करके दिखाती हूँ कैसे इसको, चाट को तैयार किया जाता है। आप लोग बराबर बने रहिए।
आप लोग बराबर देखिए। ये देखिए गार्निशिंग का सामान भी हमने तैयार कर लिया है, गाजर है, बीटरूट है और हरी मिर्च है, जिंजर है, हरा धनिया है, ये अनार के दाने हैं और मठरी है और ये आलू भुजिया। तो ये सब अभी हम सब कुछ करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये बनेगा। थोड़ा सा हम ऐसे किनारे कर देंगे कि ये अच्छे से हमारी टिक्कियों पे फ्लेम लगे और ये सिककर तैयार हो। अभी नहीं, अभी ये और सिकेगा। देखिए टिक्कियों का कलर कितना प्यारा आया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है ऊपर से। आप नीचे से भी ये सीख रही हैं, बस कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। सभी को अच्छे से आंच लग जाए और सीख के लिए तैयार है। कलर आना शुरू हो गया है। प्लीज आप लोग कमेंट करते रहिए। ये देखिए इधर भी गोल्डन ब्राउन होने लगा है और इधर भी थोड़ा सा हम बहुत प्यारा कलर आया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। देखिए लो फ्लेम पे सेकेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा और बहुत अच्छा देखने से भी लगेगा और खाने में तो स्वाद आएगा ही आएगा। और ये ऑलमोस्ट हमारी ये टिक्कियां सिककर तैयार हो रही है और मैं आपको अब असेंबल करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए जिस पे आपको टिक्कियां लगानी हैं
प्लेटिंग करनी है आप वो ले लें, और फिर इसके बाद फिर आप इस तरह से रखते जाएं। ये तीन ही रखते हैं, जितने अच्छे से आ जाए इसमें फिर रखें। और ये जो दही हमने तैयार किया था, गैस को ऑफ कर देते हैं, और ये जो दही हमने मीठी दही तैयार की थी ये हम इसमें डालेंगे। ये मीठी दही डालने के बाद हम इसमें हरी चटनी डालेंगे। हरी चटनी डालने के बाद हम इसमें मीठी चटनी, देखिए कलर का भी ध्यान रखना है, सारे कलर हमारे बरकरार रहें। और इसके बाद हम ऊपर से इसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक, नमक देखिए ध्यान से डालें क्योंकि हमने टिक्कियों में भी नमक डाला था। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, इस तरह से स्प्रिंकल कर दें। और इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप जैसा खाते हो वैसा इसमें डालें। और इसके बाद हम डालते हैं हरी मिर्च, हरी मिर्च भी डालेंगे। देखिए आप बराबर देखिए कि कैसे है, एक ही चीज स्टेप बाय स्टेप ये पड़ रही है। और इसके बाद ये हम हरा धनिया, और ये हमने मटरी ली थी, मटरी हो पापड़ी हो कुछ भी हो आप इस तरह से क्रश कर लें। क्रश करने के बाद इस तरह से डालें तो इसमें टिक्कियों का स्वाद और भी पड़ जाता है। जैसे बताशे होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, आलू की कचरी होती है वो भी आप डाल सकते हैं, जो आप चाहें वो आप डाल सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हम दही और डाल देते हैं। देखिए दही टिक्की में तो बहुत अच्छा लगता है, आप जरूर डालें। इसके बाद ये चटनी, मीठी चटनी, और फिर वही प्रोसेस करेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला। और अब हम इसको गार्निश कर देते हैं। गार्निश करने में ये हरा धनिया, हरी मिर्च और ये अदरक के स्लाइस हैं, ये देखिए इस तरह से हमने काट के रखे हैं, ये हम इसमें लगाएंगे। और फिर ये हमने गाजर काट रखी थी स्लाइस में, ये लगा देते हैं। ये सब देखिए गार्निश का एक पार्ट है, ताकि देखिए खाना जो हम खाते हैं पहले आंखों से देखते हैं, फिर मुंह में तो बाद में जाता है, पहले आंखों से हम उसमें उसको देखते हैं, तो देखने में लुक अच्छा लगना चाहिए तभी हम अच्छा उसको समझते हैं। और ये बीटरूट, ये
ये सब आपकी च्वाइस है, आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। और ये अनार के दाने स्प्रिंकल कर देंगे। और आलू, लास्ट में आलू भुजिया। आप देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, अब आप लोग बताइए कमेंट में कि ये कैसा लग रहा है आपको। देखिए तो ये गर्मा गर्म टिक्कियां आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना सुंदर सा लग रहा है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आलू की टिक्की वाली चाट आपको जरूर पसंद आई होगी। और फिर आप इसमें इसको गर्मा गर्म अपने मेहमानों को सर्व कीजिए, अपनी फैमिली को कीजिए, खुद भी इंजॉय कीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी खा लूँ इसको। तो चलिए मैं अपना लाइव यहाँ पे एंड कर रही हूँ। प्लीज आप लोग तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अमूल पेज को और अमूल की सारी टीम को कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों के अंदर जो हुनर होता है उसको यहाँ पे हम अपनी स्किल को यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो देखिए आलू की टिक्की कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, मैं अपना लाइव यहाँ पे एंड कर रही हूँ। फिर मिलूंगी किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच, बाय।